जो रेसिपी हम आपको शेयर करने जा रहे हैं अपने चैनल पे, उसका नाम है बेसन की रोटी। इसके लिए हमने जो है वो आटा लिया है, जो मिक्स आटा ले लें आप, या चक्की का यूज़ करते तो चक्की का कर लें, ठीक है, या फिर वाइट आटा ले लें, वो आप 3 कप ले लें, जो भी आपकी मेजरमेंट है। हमारे यहाँ जो है मेजरमेंट के लिए ये गिलास यूज़ होता है चावलों के लिए, आटे के लिए, तो हमने ये वाले गिलास जो हैं वो 3 गिलास जो हैं वो आटे के लिए, और 2 गिलास जो है हमने बेसन भर के लिए, और 3 गिलास भर के जो है वो आटा लिए, जो भी आप यूज़ करते हैं। मिक्स आटा यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके साथ जो है वो हमने इसमें नमक डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून, भर के नहीं लेवल। इसके अलावा जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून हमने शामिल किए। अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, करना चाहें करें, नहीं तो आप छोड़ दें। हरा धनिया आधी गड्डी गई है, इसमें 3 से 4 छोटी वाली बारीक वाली हरी मिर्चें यूज़ की हैं, वो भी ऑप्शनल है, बच्चे पसंद नहीं करते तो नहीं डालिएगा। प्याज 1 मीडियम साइज़ की चॉप करके डाल दी है। ज़ीरा डाला है, एक टीस्पून ले लीजिए या 1/2 टीस्पून ले लें। इसी तरह अजवाइन जो है वो भी 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून, ये टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। घी डाल दिया है तकरीबन 2, घी डाल दें या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। अब हम इसको जो है वो अच्छे से, ये देखें ये इसके आटा में आपको नज़र आ रहा होगा बेसन, अब इसको हाथ से ज़रा सा ना मिक्स करके और हम पानी से गूंद देंगे। देखें तो बेसन की रोटी जो है वो ज़्यादा पतली नहीं करनी है, तो फिर वो सेक कर जो है ज़्यादा आप इसको ओवर कर दें तो फिर बिल्कुल पापड़ के जैसे हो जाती है। बस इतना काफ़ी, किनारे वगैरह सब पतले हो गए, और हम इसको जो है वो हाथ से डालेंगे तवे पे। डाल दी है रोटी हमने, अब एक तरफ से हो जाएगी तो इसको फिर हम पलटेंगे। बेसन की रोटी हमारी तैयार है, अब घी जो है वो हमने डाल के उसको सेक लिया। अब आप डिपेंड करता है आप कितना घी खाते हैं। रोटी जो है वो तैयार है, अब इसको जो है वो आप रायते के साथ, लहसुन मिर्च की चटनी के साथ, और लहसुन मिर्च की चटनी जो बना के उसको दही में, इसकी रेसिपी भी हम आपसे शेयर कर चुके हैं, तो वो आप देखें प्रीवियस रेसिपीज़ में, तो आपको मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत मतलब आसानी से बन भी जाती है, ये डिश फ़ायदेमंद भी है, तो आप इसको ज़रूर जो है वो देखें ट्राई करके, और इसके अलावा आप पसंद आती है तो कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें नए देखने वाले, और शेयर करें। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी रेसिपी।